आप कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, आप कुछ बदलना चाहते हैं, आपको कुछ पसंद नहीं है, आपको कुछ फर्क चाहिए, आप जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, आप जीवन की असफलता को बदलना चाहते हैं, चाहे वो विवाह हो, चाहे व्यापार हो, चाहे जो भी हो, आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र और दृष्टिकोण में आप बदलाव देखना चाहते हैं, आपके जीवन में काम देखना चाहते हैं, इसी तरह ये बदलाव काम करता है। ये वचन जो आत्मा में जाता है, वही वचन जिसने संसार को आकार दिया, वो अब आपकी आत्मा में जाएगा, आपके लिए एक और संसार को आकार देगा। You took the fall, and you thought of me above all, so crucified, lay behind the stone.
पहला यूहन्ना अध्याय 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। ये कहता है कि जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है, क्योंकि आप उस वर्ग के हैं जो परमेश्वर के वर्ग के हैं। आप परमेश्वर के वर्ग के हैं, आप तो अलग तरह के वर्ग के हैं, इसलिए संसार तो आपके नीचे है और आपने संसार पर जय पाई है। और फिर ये कहता है यही तो विजय जो संसार पर जय पाती है वो है हमारा विश्वास। देखिए, हमारा विश्वास इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे विश्वास से ही हम संसार पर जय पाते हैं। इसलिए हम विश्वास के द्वारा सीख रहे हैं, हम खासकर परमेश्वर के से विश्वास के बारे में सिखा रहे हैं। यदि आप विश्वास समझते हैं, आप विश्वास में बढ़ते हैं, तो इस संसार में कोई समस्या नहीं जिस पर जय नहीं पा सकते हैं। आप जयवंत होने के लिए बने हैं क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, क्योंकि आपका स्वभाव जो आपके अंदर है, आपको विश्वास सीखना होगा, क्योंकि इसी तरह से आप जयवंत हो सकते हैं। प्लीज मेरे साथ निकाले मरकुस अध्याय 11, और चलिए मैं वचन 20 से आगे पढ़ता हूं। फिर भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ देखा। पत्रस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो वो कहता है। परमेश्वर विश्वास का प्रभु है, वो विश्वास से काम करता है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर विश्वास से काम करता, तो हम कह रहे हैं जिस तरह से वो काम करता है, जिस तरह से वो काम पूरा करता है। अब विश्वास के परमेश्वर की, हम विश्वास की संतान हैं। जिस तरह से मछली पानी में रहती है, जानते हैं विश्वासी विश्वास से जीता है, विश्वासी अपने विश्वास से जीवित रहेगा, हबक्कूक कहता है। और फिर ये नए नियम में 3 बार दोहराया गया है, ये बताया गया है, यानी धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमें विश्वास से जीने के लिए बनाया गया है। अब इसीलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी कि विश्वास किस बारे में है, और परमेश्वर के जैसे विश्वास, परमेश्वर का सब विश्वास जो स्वयं प्रभु में है और वो इससे काम करता है। अब वचन 22 में जो हमने अभी पढ़ा है, ये कहता है यीशु ने कहा कि परमेश्वर में विश्वास रखो। देखिए, कहानी का भाग तो ये है कि यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, मैंने आपको बताया, और अगले दिन यानी 24 घंटे बाद चेले यीशु के साथ उसी रास्ते पर आते हैं। जब यीशु ने पेड़ को श्राप दिया, वो उसके साथ थे, उसी समय वहां कुछ नहीं हुआ। 24 घंटे बाद वो उसी रास्ते से वापस आते हैं और देखते हैं कि पेड़ जड़ से सूख गया है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए पिछले हफ्ते मैंने आपको जड़ के बारे में बताया, आपको बताया कि जड़ नीचे होती है, अदृश्य होती है, और पेड़ तो ऊपर दिख सकता है। हर चीज जो दिखती है उसकी अदृश्य जड़ होती है, मैंने कहा था। और जब यीशु ने पेड़ से कहा, उसे श्राप दिया और कहा, अब से कोई मनुष्य तेरा फल नहीं खाएगा, तो देखिए वचन ने केवल पेड़ को ही नहीं छुआ, केवल पत्ते, उसने पेड़ के पत्ते और डालियों को ही नहीं छुआ, लेकिन वो सीधा जड़ तक चला गया और जड़ से ही वो सूख गया। ये प्रभु वचन का स्वभाव है। यानी हम परमेश्वर के विश्वास के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर का सब विश्वास समझाता है कि सारी स्वाभाविक चीजें आत्मिक चीजों के वश में होती है, क्योंकि स्वाभाविक संसार आत्मिक के बाद में आया। आत्मिक संसार महान है क्योंकि वो अनंत काल का है, और स्वाभाविक संसार कुछ समय का है, बाइबल कहती है। हमने इसके बारे में वचन और बाइबल की शिक्षा का अध्ययन किया है, इसलिए हम जानते हैं कि स्वाभाविक संसार और जो भी स्वाभाविक संसार में है वो तो आत्मिक चीजों के वश में है, और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर ये सब आत्मिक संसार की हैं। यहां तक कि हमारा एक भाग आत्मिक संसार का है, हमारे पास आत्मा है, हम आत्मा हैं और हम शरीर में रहते हैं। हमारा शरीर स्वाभाविक संसार से आता है, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर से आती है, इसलिए हम आत्मिक व्यक्ति हैं, हम आत्मिक संसार के हैं। हम स्वाभाविक शरीर में रहते हैं, ये स्वाभाविक शरीर है क्योंकि ये पृथ्वी की मिट्टी से बनाया गया है। देखिए, यानी हमारे 2 भाग हैं, और इसलिए देखिए आत्मा जो शरीर में रहती है वो पूरी तरह से शरीर पर अधिकार और राज्य करती है।
जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ जाती है, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता, ये खत्म होता है, तुरंत नाश करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि आत्मा इस शरीर को छोड़ जाए तो इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है। ये शरीर चल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। शरीर तो केवल नाश होने के लिए रह जाता है, क्योंकि आत्मा के बिना ये कुछ नहीं है। यानी यहीं पर आप देखते हैं कि आत्मा क्या है और स्वाभाविक चीजें क्या है, आत्मिक चीजें कैसी हैं और स्वाभाविक चीजें कैसी हैं। आत्मिक चीजें पूरी तरह से अधिकार करती है स्वाभाविक पर। यानी जैसे आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर पर अधिकार करता हूं, और आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं है। इसी तरह से आत्मा सब पर अधिकार करती है, आत्मिक चीजें पृथ्वी की सारी चीजों पर अधिकार करती है। हम इसे ही देख रहे थे। आत्मिक चीजों को बाइबल में अदृश्य चीजें कहा गया है, क्योंकि वो आत्मिक क्षेत्र में होती है। जैसे मैं आत्मा हूं, लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते, आपने मुझे नहीं देखा, मेरे शरीर को देखा है। मैं तो असली में भीतर में हूं, इस शरीर के भीतर में। यानी आपने सच में मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा है, क्योंकि आप वो नहीं जिसे मैं देख रहा हूं, 5 फीट 7 इंच के व्यक्ति। ये तो शरीर है, आप इस घर में रहते हैं, ये तो केवल आपके रहने की जगह है, आप भीतर में, आप इसके भीतर रहते हैं। यानी हमने सच में एक दूसरे को नहीं देखा, हम एक दूसरे को केवल इसी तरह से जानते हैं, शरीर को देखते हुए, लेकिन हम भीतर में आत्मिक व्यक्ति हैं। यानी आत्मा तो अदृश्य है, सारी स्वाभाविक चीजें दृश्य हैं, बाइबल ये कहती है, और दृश्य चीजें कुछ समय की और अदृश्य चीजें अनंत काल की होती हैं। कि परमेश्वर के जैसे विश्वास वचन का उपयोग करता है कि दृश्य को बदल दे और अदृश्य को आकार दे। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3, विश्वासी से हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यानी हम जानते हैं कि संसार परमेश्वर के वचन से बना है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी वस्तुओं से बना हो। यानी तुरंत ही हम समझते हैं कि जो चीजें दिखती है वो देखी हुई चीजों से नहीं बनी है, या देखने वाली चीजों से, दृश्य चीजों से। दृश्य चीजों से नहीं बनी है। वो कैसी बनी है? वचन ये कहता है कि वो परमेश्वर के वचन से बनी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन दृश्य संसार का नहीं है, क्योंकि यदि ये दृश्य संसार का होता तो हम कह सकते कि जो चीजें देखी जाती है वो दृश्य चीजों से ही बनी है, यदि वचन दृश्य संसार का होता तो। क्योंकि ये कहता है कि वचन ने संसार बनाया और दृश्य चीजों से नहीं बनी है। मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर का वचन दृश्य संसार का नहीं है, ये आत्मिक संसार का है। शायद आप कहे कैसे? देखिए, परमेश्वर का वचन संसार के पहले से अस्तित्व में था। सच में वचन ने ही संसार को आकार दिया। ये तो पहले से ही था, इसलिए पहले अस्तित्व में था और इसलिए ये महान है। यानी वचन तो आत्मिक क्षेत्र का है, यह आत्मिक क्षेत्र से आता है और हम आत्मिक व्यक्ति हैं। वचन हम में आता है, आत्मा में हम वचन स्वीकार करते हैं और वह आत्मिक व्यक्ति में ये बनता है। आत्मा के भौतिक संसार में एक आत्मिक सामर्थ जिसे विश्वास कहते हैं। हेलो, हम भोजन खाते हैं और हम इस शरीर को भोजन देते हैं। भोजन तो भूमि की मिट्टी से आता है, ठीक है, भूमि की मिट्टी से। सब कुछ मिट्टी में बढ़ता है। और यदि आप मटन भी खाते हैं, वो भी मिट्टी से आता है, क्योंकि वो इसे खाते हैं जो यहाँ है। देखिए, यानी ये भूमि की मिट्टी से आता है और आप इसे, शरीर को इसका भोजन देते हैं और आप उसे शारीरिक बल पाते हैं, ठीक है। उसी तरह से वचन जो स्वर्ग का भोजन है वो नीचे आता है और हमारी आत्मा को भोजन देता है और हम में वो बढ़ता है जिसे विश्वास कहते हैं। ये तो आत्मिक सामर्थ है, मसल पावर जैसे ही। हम में आत्मिक सामर्थ है, वो बढ़ता है वचन से, स्वर्ग के आत्मिक भोजन से, प्रभु के वचन से। आमेन। यानी ये इसी तरह काम करता है। यानी परमेश्वर वचन का उपयोग करता है जिसके द्वारा वो हमारे जीवन में बदलाव लाता है। आप कुछ बदलाव देखना चाहते हैं? आप कुछ बदलना चाहते हैं? आपको कुछ पसंद नहीं है? आपको कुछ फर्क चाहिए? आप जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं? आप जीवन की असफलता को बदलना चाहते हैं? चाहे वो विवाह हो, चाहे व्यापार हो, चाहे जो भी हो आपके जीवन में, किसी भी क्षेत्र और दृष्टिकोण में आप बदलाव देखना चाहते हैं, आपके जीवन में काम देखना चाहते हैं, इसी तरह ये बदलाव काम करता है। ये वचन जो आत्मा में जाता है, वही वचन जिसने संसार को आकार दिया,
वो अब आपकी आत्मा में जाएगा, आपके लिए एक और संसार को आकार देगा। वो संसार जो आप चाहते हैं, संसार जिसे आप नहीं चाहते वो जाएगा, लेकिन वो संसार जो आप चाहते हैं वो आएगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। हम यही बताना चाहते हैं, हम बहुत से उदाहरण देना चाहते हैं और सच में लोगों ने इसे कैसे किया और लोगों ने कैसे इसका अनुभव किया है। तो चलिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालिए रोमियो अध्याय चार और चलिए वचन 17 से पढ़ता हूं। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनको ऐसे नाम लेकर बुलाता है जैसे मानो वो हैं। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए वो उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वो बहुत सी जातियों का पिता हो, वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चित जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में सामर्थी है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। अब ये बहुत से वचन है, लेकिन चलिए इसे सरल रूप में बताऊं। ये बता रहा है कि कैसे अब्राहम और सारा को कोई संतान नहीं थी, बेटा नहीं था, बुढ़ापे में उन्हें कोई संतान नहीं थी। अब ये ऐसा है जो कोई पसंद नहीं करता है, उम्र बढ़ती जा रही है, बूढ़ा हो रहा है और संतान नहीं, किसी को पसंद नहीं, कोई संतान नहीं, सब संतान चाहते हैं। वो उस परिस्थिति को बदलना चाहता था और प्रभु ने उससे प्रतिज्ञा की थी। प्रभु ने उससे प्रतिज्ञा में कहा था कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। देखिए, प्रभु हमें संतान देना चाहता है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इस संसार को गवाही दिए बिना छोड़ जाएं। यानी मैं लोगों से कहता हूं जब वो आते हैं और प्रार्थना करने के लिए कहते हैं हमारी कोई संतान नहीं, मैं कहता विश्वास कीजिए, आपसे ज्यादा प्रभु चाहता है कि संतान हो। आप संतान में दिलचस्पी लेते हैं लेकिन आपसे बढ़कर प्रभु आपको संतान देना चाहता है। आप उद्देश्य को समझे, प्रभु की प्रतिज्ञा पर खड़े रहें और प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कीजिए, और आप इस पर सही तरह से विश्वास कीजिए। और बहुत से लोगों ने इसका अनुभव किया है अपने जीवन में। और जब भी भक्तिपूर्ण वंश बढ़ना चाहता है तो शैतान उसके बहाव को रोकना चाहता है। आप इसे बाइबल में देखेंगे, जानते हैं शैतान इसके विरुद्ध में होता है। तो वो अब्राहम और सारा को संतान होने से रोकता है और परमेश्वर कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा। प्रभु ने ये वादा किया और अब्राहम ने क्या किया, उसने वो प्रतिज्ञा ली और उस प्रतिज्ञा में काम किया। देखिए, प्रभु की प्रतिज्ञाएं यहां है, लेकिन आप इन प्रतिज्ञाओं से क्या करते हैं? ये प्रतिज्ञा इसलिए पूरी नहीं होती है क्योंकि यहां पर ये लिखी गई है। यदि ये सच होता तो हम सबके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पहले से ही पूरी हो जाती थी। हमें सब प्रतिज्ञाओं को जानना चाहिए, हर प्रतिज्ञा में हमें चलना चाहिए उसमें सफलता के लिए, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में ऐसी अपने आप पूरी नहीं होती है, आपके योगदान के बिना, किसी तरह से आप कुछ किए बिना ही। देखिए, प्रभु हमारा बहुत आदर करता है, वो चाहता है कि हम जुड़ जाएं, वो चाहता है कि हम विश्वास करें। उसने हमें सोचने वाला व्यक्ति बनाया है जो सोच सकता है, निश्चित होकर निर्णय ले सकता है और काम कर सकता। यानी इस संसार में कुछ नहीं होता आपके सोचने और निर्णय लिए बिना और विश्वास किए बिना और उसमें काम किए बिना। हालांकि प्रभु ने कहा है, वो कहता है तुम क्या कहते हो, मैंने ये कहा है, लेकिन क्या इससे तुम सहमत हो, क्या तुम इसे लोगे, क्या तुम इस पर विश्वास करोगे? देखिए, इसलिए बहुत से लोग सफल नहीं होते क्योंकि हम में से बहुत से लोग प्रभु की बात नहीं सुनते और इसे नहीं लेते। ये है, लेकिन हम नहीं लेते, हम ये विश्वास नहीं करते और उस पर चलने का चुनाव नहीं करते, इसलिए इन चीजों का आनंद नहीं उठा पाते। हमारे मसीह जीवन का पूरा उद्देश्य है कि वो समझे जो प्रभु कहता है और विश्वास में चलना सीखे और उसने जो कहा उसमें जीते जाए। यानी अब्राहम ने इसे लिया और इसके साथ उसने काम किया। उन दिनों में उसके लिए ऐसा चर्च नहीं था कि विश्वास के बारे में सीखे, उसके पास प्रचारक नहीं थे कि उसे प्रचार कर सके। सच में पूरे संसार में उस समय, जहां तक मैं जानता हूं बाइबल से, केवल एक ही मनुष्य था वो जो परमेश्वर को जानता था। प्रभु ने उसे चुना था, बाकी कोई प्रभु को नहीं जानता था, और प्रभु को उसके साथ काम करना था, तो प्रभु ने कुछ किया। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 17 और वचन 5 पढ़ते हैं। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा। देखिए, उसका नाम यही था अब्राहम, हाँ नहीं था, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। देखिए, इस नाम का अर्थ था, परमेश्वर ने इस व्यक्ति का नाम बदल दिया, इसलिए नहीं कि
उसका धर्म बदल कर मसीहत में लेकर आए। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ये काम नहीं करता। प्रभु ने उसका नाम बदला क्योंकि अब उसका नाम कुछ कहता है कि वो अब बहुत सी जातियों का मूल पिता होगा। उस नाम का यही अर्थ था। अब्राहम का अर्थ है बहुत सी जातियों का पिता। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? उसके लिए नाम बदलना इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन सुनने से आता है। यदि अब्राहम को संतान होनी चाहिए तो वो केवल विश्वास से पा सकता, और विश्वास आने के लिए जरूरी था कि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ले, उस पर वो विश्वास करते जाए, और उसके पास जरिया चाहिए कि विश्वास आए। कुछ होना चाहिए जिससे वो प्रभु का वचन सुने और विश्वास आ सके। और इससे वो कैसे करे? उसके पास चर्च नहीं था, कोई प्रचारक नहीं था, कोई पता नहीं था कि कैसे अंगीकार करे कि विश्वास आ सके। विश्वास आने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रभु की प्रतिज्ञाओं को ले और इसे कहे और इसे कहते रहे, और आप इसे सुने, और विश्वास इस तरह से आता है। आप इस तरह से खुद को विश्वास में बढ़ाते हैं। लेकिन अब्राहम के पास बताने के लिए कोई नहीं था। यानी परमेश्वर ने क्या किया? उसने उसका नाम अब्राहम कर दिया, क्योंकि जब भी कोई उससे पूछता तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता मेरा नाम अब्राहम है। और इसका मतलब है बहुत सी जातियों का पिता। और हर समय जब भी कोई नाम पुकारता अब्राहम, उसने सुना बहुत सी जातियों का पिता। जब भी सारा अब्राहम को पुकारती, उसने सुना बहुत सी जातियों का पिता। देखिए, मैं सोचता हूं कि उसके पास आसपास के लोग सोचते थे कि वो बूढ़ा हो गया है। जानते हैं, लगभग 100 साल का था, और मैं समझ सकता हूं सब लोग उसे बूढ़ा देखते थे, बूढ़ा जैसे कहते थे, और इसलिए सबकी भाषा भी बदल गई। वो उसे अब्राहम पुकारने लगे, उसका नाम बदल गया, ये तो चर्चा हो गई। सब इसके बारे में कहने लगे, सब लोग कहने लगे कि नाम का अर्थ क्या है। नाम का अर्थ था कि बहुत सी जातियों का पिता। यानी जब भी उसने अपना नाम लिया तो वो सच में परमेश्वर का वचन कह रहा था, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को। प्रभु उसे परिस्थिति में लाया जहां दिन में वो कई बार इसे कहता था जो परमेश्वर ने उसके बारे में कहा था। और जब भी उसने अपना मुंह खोलकर कहा कि हेलो मैं हूं अब्राहम, वो कह रहा था मैं बहुत सी जातियों का पिता हूं। परमेश्वर ने उसे कहने लगाया कि उसके कान सुन सके और ये आत्मा में जाए, कि आत्मा में वचन और प्रभु की प्रतिज्ञा जाए, स्वर्ग से वो आए और उसमें विश्वास आ जाए। What a wonder to live life. What a wonder to live life. Really live life. Overcome anything. What a reason to live life. Freely live life. Every day my everything. From the rising of the
Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every day with you.